एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपर बात करेंगे जो बारबाडोस टी20 का आज के दिन का दूसरा मैच होगा जो खेला जाएगा गार्जियन वर्सेस वोयक्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो बात करें यहाँ पर मैच के बारे में, तो मैच रात में 12 बजे स्टार्ट होगा। सेम ग्राउंड पर मैच है। ये जो विकेट है देखो, बैलेंस सरफेस है, बैटर्स और बॉलर दोनों को हेल्प करता है। एवरेज स्कोर 80 से 90 बनता है। दो मैचेस यहाँ पर हुए हैं, एक जीता है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, एक में चेज हुआ है। पहले बात करेंगे यहाँ पर गार्जियंस की टीम की, तो गार्जियंस की टीम ने पहला मैच खेला और वो मैच इनकी टीम यहाँ पर जीती थी। उस मैच में इनकी तरफ से ओपन किया था साइने मोसली और नील ब्राउनी ने। साइने मोसली की अगर मैं बात करूँ तो इसने ना 17 रन किए थे, इससे पहले इसके नाम लिस्ट है में 8 मैच में 174 रन है, तो अच्छे लेवल का प्लेयर है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नील ब्राउनी सिर्फ 6 ही रन कर पाए थे। 2014 के अंदर इन्होंने ODD के 20 मैच खेले थे जिसमें 461 रन 17 विकेट थे, लेकिन ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है। अलसिंदो होल्डर पहले मैच में 1 ही रन बना पाए, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रहने चाहिए क्योंकि 20 मैच में 278 रन है, 25 का एवरेज इनके नाम T20 में, तो रिकॉर्ड इनका T20 का अच्छा है। डेमेरियो रिचर्ड्स पहले मैच में 16 नॉट आउट किया था लिस्ट में, इससे पहले 3 मैच में 74 रन है, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। फिर आएंगे ऐसे काइल कॉर्बिन, इन्होंने 8 नॉट आउट की यहाँ पर पारी खेली पहले मैच में, इससे पहले T20 में 9 मैच में 121 रन 15 का एवरेज है। नीचे यहाँ पर चलूँ तो यहाँ से रायसन विलियम्स हैं, इन्होंने 1 ओवर डाला, विकेटलेस रहे थे। यहाँ से ताहज तवनीर हैं, इनको भी 1 विकेट यहाँ पर मिला था। ये बॉलिंग ना थोड़ी कम करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरे 2 ओवर डाल गए थे। रोमारियो ग्रिव्स, इन्होंने भी यहाँ पर 1 विकेट निकाला था, इससे पहले लिस्ट में 6 मैच में 64 रन 3 विकेट है, स्पिनर है, ध्यान रखना तो विकेट लेने के चांसेस रहेंगे। जावेडो लिकोक 2 विकेट ले गए थे, 5 मिनट में 7 विकेट लिस्ट में इनके नाम है। जेरी मैकलिस्टर 3 विकेट ये ले गए थे और मिचेल पावेल को 1 ही विकेट मिला था क्योंकि सिर्फ 1 ओवर मिला था, अदरवाइज लिस्ट में 5 मिनट में 4 विकेट है इनके नाम। तो इनकी टीम की बॉलिंग अच्छी है। यहाँ से अभी के लिए मैं रखूँगा ऐसे साइने मोसली, अब यहाँ पर आप डेमेरियो रिचर्ड्स को रख लो और इसके अलावा अलेसेंडो होल्डर या फिर काइल कॉर्बिन, दोनों में से किसी एक को रखूँगा। और नीचे से 4 इनके बॉलर यानी कि रोमेरियो ग्रिव्स को रखूँगा, ताज तनवीर को रखूँगा, लिकोक को रखूँगा और मैकलिस्टर को रखूँगा। अगर आप चाहो तो इनको ड्रॉप करके आप यहाँ पर मिचेल पावल के साथ भी जा सकते हो। बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर्स हैं, इनमें से कोई खेलता है उसके स्टार्ट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे जे मैकलिस्टर, टी तवेरनीर और आर विलियम्स। डेथ के ओवर डालेंगे जे मैकलिस्टर, जे लिकोक और आर ग्रेव्स। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, VOI की टीम का ये पहला मैच होगा और इनके जो ज़्यादातर प्लेयर हैं उनके रिकॉर्ड जो है बहुत लो लेवल के हैं। मैं आपको आगे चीज़ें समझाऊंगा, पहले जो अच्छे रिकॉर्ड्स मेरे को मिले वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर ड्वेन स्मिथ है, इनको आप सब जानते होंगे भाई, बहुत मतलब लीजेंड प्लेयर रह चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के। ये T20 में 337 मैच 7870 रन 26 का एवरेज 110 विकेट है। हालांकि हाल फिलहाल में ज़्यादा मैच नहीं खेले, फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है। 5 रन 0 विकेट है, 40 1 विकेट है, 11 1 विकेट है, 6 1 विकेट है, ये इनका रिसेंट फॉर्म है। एंटन जोन्स है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है, इसने ना 2018 में अपने क्लब के लिए 4 मैच खेले T20 के जिसमें 40 रन थे और 2018 में इसने ODD के अपने क्लब के लिए 21 मैच खेले जिसमें 469 रन थे, तो ये क्लब लेवल का रिकॉर्ड था। सेंट डार्विच, इन्होंने आपको इनको आपने वेस्ट इंडीज़ के लिए टेस्ट में ज़्यादातर खेलते हुए देखा होगा, 29 T20 में 321 रन है। भाई जो बंदा वेस्ट इंडीज़ के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुका है तो आप समझ सकते हो अच्छे लेवल का प्लेयर है, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से आएंगे डेस्विन क्रेंसी, ये भी बैटिंग बॉलिंग कर सकता है। क्लब T20 में 1 मैच में 35 रन 2 विकेट है और ODD में 17 मैच में 210 रन 30 विकेट है, तो इम्पोर्टेंट रह सकता है ये। यहाँ से आएंगे अमारी गोड्रिग, इसके नाम लिस्ट में 6 मैच में 18 रन 8 विकेट है 39 ओवर डाल के, ये भी एक अच्छे लेवल का प्लेयर है। लैरी बैब ने T20 के 2 मैच में 2 विकेट निकाले 2 ओवर डाल के। और यहाँ से आएंगे जॉर्डन जेम्स, इसके नाम 2016 में ODD में 3 मैच में 25 रन 2 विकेट है, बहुत लो लेवल का रिकॉर्ड है, उतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। जेमेन बुलेन है, इसके नाम ODD के 6 मैच में 42 रन 10 विकेट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के मैंने यहाँ पर ये ओवरऑल रिकॉर्ड लिखे हुए ना, इनका मतलब है भाई कि इन्होंने ये इसमें ना ज़्यादातर जो है फर्स्ट क्लास यानी कि जो टेस्ट टाइप के मैच होते हैं ना उनके रिकॉर्ड है, तो आप समझते हो वो भी लो लेवल के रिकॉर्ड है, तो थोड़ा सा इन पर ध्यान आप कम देना बस, क्योंकि रिकॉर्ड इनके कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड आपके लिए निकाले हैं।
तो यहाँ से जेसन ग्रीनी है, इसके नाम 26 मैच में 811 रन 22 का एवरेज था लो लेवल के रिकॉर्ड में। रसाद बोरेल 9 मैच में 199 रन 0 विकेट था, मतलब ये भी मेन काम बैटिंग ही है और इसका भी मेन काम बैटिंग का ही है। मैथ्यू जोन्स था, इसका मेन काम बॉलिंग का था, 9 मैच 129 रन 36 विकेट थे। जियोन ब्रैथवेट 1 मैच में 6 रन 0 विकेट था। अकीम स्प्रिंगर 19 मैच में 535 रन थे, ये भी विकेट कीपिंग और बैटिंग करता है। और शकील टर्नी है, 7 मैच में 47 रन 0 विकेट था। इसके अलावा दो प्लेयर उनके रिकॉर्ड कहीं पर नहीं थे। तो ध्यान रखना ये लो लेवल के रिकॉर्ड से, जो अच्छे प्लेयर थे वो इनके ऊपर के, जो मैंने आपको 6-7 प्लेयर बताया ना, ये इनके अच्छे प्लेयर हैं, इनमें से आपको पिक करना है। तो सीधी सी बात, अगर आप समझोगे जो मैंने चीज़ें बताई कि भाई मैच रिस्की रहेगा, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इस मैच में अपन नहीं कम करेंगे या फिर बहुत कम करेंगे, सिर्फ GL खेलो। तो बाकी आपको जो भी अपडेट्स अगर मिलती हैं आफ्टर टॉस, मेरी जो भी फाइनल टीम्स वगैरह होंगी सब आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ, बात कर लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम की। तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है, आर क्लार्क को रखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डेमो टीम की, भाइयों ये इस मैच की राइट डेमो टीम है, वो पहले अलग मैच की डेमो टीम आ गई थी। तो यहाँ पर देखो मैंने किसको रखा है, डी रिचर्ड्स को रखा है मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से। बैटिंग सेक्शन से के कोरबिन को रखा है, इसकी जगह आपको एक और प्लेयर मैंने बताया था उसको आप पिक कर सकते हो, एस मोस्ली को रखा है और एस डाविच को रखा है। और ऑलराउंडर सेक्शन से एल बैप को रखा है, ड्वेन स्मिथ को रखा है। और बॉलिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर ए अलेक्जेंडर रखा है और जे लीकॉक, जे मैकलिस्टर, आर लियोन और एम पावेल को यहाँ पर रखा है। तो अभी के लिए डेमो टीम ये है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम जो भी होगी इस मैच की, आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको प्लेइंग 11, जिन प्लेयर के स्टैट्स नहीं उनके अगर स्टैट्स मिलते तो वो भी वहीं पर मिलेंगे और फाइनल टीम मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। तो थैंक यू भाई, अगर वीडियो और मेहनत पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।